हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वे टू सक्सेस। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके रिटन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे फिर वो आपका आरपीएफ का हो, UP SSC VDO का हो, या फिर यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल SSC GD कॉन्स्टेबल के, सभी रिटन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। फ्रेंड, इससे रिलेटेड मैं आपको डेली वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ शाम 4 बजे। मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करते हो तो आपको अपने रिटन एग्जाम में इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग सीरीज की तरफ। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए सीरीज के क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। उत्तर है इसका डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तराइन के दूसरे युद्ध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी प्रचलित की। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। उत्तर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 1329 और 1330 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए, आप ऐसा भी कह सकते हैं, जिसे सांकेतिक मुद्रा भी कहा गया है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। आप जहाँ भी आपको तांबे के सिक्के का जिक्र आए तो आप आँख बंद करके मोहम्मद बिन तुगलक पर अपना आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, आंसर है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। सबको पता होगा, उत्तर है ए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। 205, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है जनरल नॉलेज के लिए। उत्तर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के कैसे शासक थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का कई बार प्रयास किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206, यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार रिटन एग्जाम्स में। 2015 के ग्रुप डी के सॉरी एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी के रिटन एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। उत्तर है इसका ए, मारक्को। इबन तूता मारक्को से आया था। नेक्स्ट है 207, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा वो तुर्की शासक था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। उत्तर है ए, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी तुर्क से आया था जिसने प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था। 208 है, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी, अभी अभी सेम क्वेश्चन आया था। उत्तर है सी, रजिया सुल्तान। 209, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। इजी सा क्वेश्चन है, सबसे पहले आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट है 210, लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। उत्तर है इसका सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। उत्तर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट है 212, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि जो कुतुब मीनार का कार्य स्टार्ट कराया था, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक लगाते। पूछ रहा है कि कार्य किसने पूरा करवाया, तो कार्य पूरा कराने वाला था इल्तुतमिश। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी तो आधे में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, करीब 1210 में। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे तो उन्होंने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था। 213,
निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर है ए, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था। 214, अलबुरानी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलबुरानी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? उत्तर है ए, महमूद गजनवी। 215, दक्षिणी अफ्रीका यात्री इबन तूता किसके शासनकाल में भारत आया? अभी अभी क्वेश्चन आया था कि इबन तूता आया था किसके शासनकाल में, सेम क्वेश्चन है, उत्तर है इसका सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अभी अभी क्वेश्चन करीब 210 क्वेश्चन यही था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इबन तूता। 216, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उत्तर है सी, 17 बार। 217, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? अभी क्वेश्चन आया था कि लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था, अब क्वेश्चन आ रहा है कि लोधी वंश का पहला संस्थापक कौन था, जिसने सॉरी पहला शासक या फिर स्थापना करने वाला किसने स्थापना की थी? उत्तर है सी, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी और वो ही इसका संस्थापक था। 218 है हमारा, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि भारत इतिहास में जो बाजार के नियम लागू किए गए, मूल्य नियंत्रण किया गया चीजों का, इसकी शुरुआत किसने की थी? उत्तर है इसका डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। 219 आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज्यादा, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी जहां पर भी नाम आ जाए सिकंदर लोदी, क्योंकि पूरी जो जनरल नॉलेज हिस्ट्री है उसमें गुलरुखी जो केवल सिकंदर लोदी यही किस्सा दिया गया है, गुलरुखी सिकंदर लोदी नाम से लिखा करते थे कविताएं। 220, कुतुबद्दीन ऐबक की राजधानी थी, यानी कि कुतुबद्दीन ऐबक जब राजा थे 1206 में बने थे, गद्दी पर बैठे थे, तो उनकी राजधानी क्या थी? उत्तर है इसका ए, लाहौर, कुतुबद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 221 है, तुगलक नामा के रचनाकार का क्या नाम है? यानी कि तुगलक नामा जो लिखा था तो उसकी किसने लिखी या उसकी रचना किसने की? उत्तर है सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है 222, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था भारत पर। 223 है, प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो की कब्र कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपको कहीं पर देखने के मिलेंगे, यानी कि किसी किताब में बहुत कम दिए जाते हैं और ये ही रिटिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर है इसका सी, दिल्ली, अमीर खुसरो की कब्र दिल्ली में, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको लेकिन रिटिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 224, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, यानी कि किसके दरबार में रहे? अमीर खुसरो एक ऐसे हैं जो कि बहुत सारे शासकों के दरबार में रह चुके हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है इनमें से किसके दरबार में रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 225 और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर है इसका सी, इबन तूता, इबन तूता ने इतिहास में जो डाक प्रचलित थी उसकी व्यवस्था का विस्तार रूप से पूरा विवरण दिया है इबन तूता ने। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके रिटन एग्जाम में आपको 100% मिलने वाले हैं, यही वो क्वेश्चन है जो कि रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको वीडियो रियली पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि डेली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं आपको अलग अलग स्टेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।